हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील दत्त आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्न मनी ऑनलाइन के ऊपर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम देखने वाले हैं पैजा पे के अंदर अभी क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स बता दूं। जैसा कि मैंने मेरे ग्रुप में भी और बाकी जगह पे मैसेज आप सभी लोगों को भेजा था कि यात्री ऐप लाइव हो जाएगा, तो यात्री ऐप ऑलरेडी लाइव हो चुका है। जो उनका वेबसाइट है yatri.in, उसके ऊपर जाइए और यहाँ पर आपको ऐप का जो है वहां पर लिंक दिखेगा गूगल प्ले का, उसको आप क्लिक कीजिए और ये ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐप लगभग आपको सेम जैसा आपका पैजा पे वैलेट ऐप है, सेम सारे फंक्शन उसी तरह के हैं, उसी तरह के फीचर्स यहाँ पर, सारे लॉगिन सब कुछ उसी तरह का है। और इस ऐप के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी लाइव हो जाएंगी 18 तारीख से। 18 दिसंबर के बाद जो है ये सारी सर्विसेज लाइव हो जाएंगी और 18 तारीख तक ये सब टेस्टिंग मोड पे है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है सर्विसेज विल बी एक्टिव विद न्यू अपग्रेडेशन फ्रॉम 18 दिसंबर 2018। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है कंपनी का कि कहीं ना कहीं वो जो लोगों के दिमाग में एक चल रहा था कि कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कहीं ऐसा नहीं, कहीं वैसा नहीं, तो कुछ जो चीज़ें कंपनी कर रही हैं जिनसे लग रहा है कि यस, कुछ चीज़ें टेक्निकली प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी बेहतर रूप से काम कर रही है, तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि उसने अपना यात्री ऐप जैसा बोला था वैसा टाइमली लॉन्च कर दिया है और 18 तारीख से यात्री के ऊपर आपका विड्रॉल्स भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको जैसे वैलेट के ऊपर विड्रॉल होता था, वैसे ही यात्री के ऊपर विड्रॉल होगा आपकी वर्किंग इनकम का, और उसका लिमिट भी 5000 पर डे ही रखा गया है जैसे ऐप के ऊपर था। और आप जो है ट्यूसडे के बाद अपना विड्रॉल्स वहां पर कर सकते हैं और जितने भी सर्विसेज हैं वो धीरे धीरे सारी सर्विसेज वहां पर ऐड हो जाएंगी, तो आप उन सर्विसेज को भी यूज कर पाएंगे। दूसरा गुड न्यूज मैं आपको बताऊं दोस्तों, दूसरी गुड न्यूज ये है कि जो पैजा पे का जहां पर ऑफिस है कोयम्बटूर में, वहीं पे उसी ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कंपनी ने एक और ऑफिस जो है रेडी कर दिया है। आप यहां पर उसके पिक्चर्स देख पा रहे हैं। ये ऑफिस कस्टमर केयर के लिए रेडी किया गया है ताकि जो है किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत लोगों को ना आए, और एक बहुत ही बेहतरीन कस्टमर केयर वहां पर रेडी कर दिया जा रहा है। और लगभग 15 जनवरी के आसपास में गुड़गांव के अंदर भी एक सेंटर खोलने के लिए, एक ऑफिस खोलने के लिए अनाउंसमेंट किया गया है, तो वो देखते हैं कि 15 तारीख का उसका कितना, 15 से पहले या 15 के बाद कब तक उसका काम कंप्लीट हो पाता है। उसकी जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। नेक्स्ट अपडेट जो है दोस्तों वो है आपके केवाईसी को लेकर। 18 दिसंबर के बाद जैसे ही ये ऐप फुल्ली फंक्शन हो जाएगी तो उसके बाद आपको सबसे पहले जो काम करना है कि आपको केवाईसी अपनी कंप्लीट करनी है। सभी जितने भी आपकी आईडीज हैं उसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको अपलोड करना है, वेरीफाई कराना है। एक और जो नया अपडेट है वो है कि कंपनी का जो प्लेटिनम पैकेज था वो सिर्फ अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के लिए था। अभी जैसे ही ये सारी की सारी सर्विसेज लाइव हो जाएंगी उसके बाद कंपनी का ये पैकेज भी लॉन्च हो रहा है जिसका कॉस्ट रहेगा 2,36,000, 2,36,000 रुपये, जिसमें आपको वैलेट बोनस मिलेगा 2,00,000 रुपये। और इसमें आपको ये सर्विसेज, जैसा कि आप पहले पैकेजेज में देख रहे हैं, ये सर्विसेज के साथ साथ में या तो आप सर्विस ले लीजिए या फिर आप अपना कैशबैक ले लीजिए। और अगर कैशबैक लेते हैं तो 4,000 रुपीज़ पर डे आप जो है कैशबैक ले सकते हैं। तो ये पैकेज के भी जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है, जैसे ही सर्विसेज लाइव हो जाएंगी तो ये पैकेज भी लाइव हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी बहुत सारी गुड न्यूज़ जो कि कंपनी ऑलरेडी दिखाती है कि कहीं ना कहीं कंपनी बेहतर रूप से काम करना चाह रही है या फिर कर रही है। अब बात करते हैं कि करंट सिचुएशंस की। तो दोस्तों अभी आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों का TUP पेंडिंग है, बहुत सारे लोगों का रेफरेंस 00 पेंडिंग है, बहुत सारे लोगों ने सर्विस यूज किया उसमें उनको सर्विस सक्सेसफुल नहीं हुआ और उनके अमाउंट जो अकाउंट से है पैसा कट गया। तो इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी जिन लोगों ने अगर कोई सर्विस यूज की है, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज या कोई गिफ्ट कूपन्स, अगर उसका रेफरेंस 00 आया है तो नॉर्मली वो 3 दिन के अंदर अंदर सभी का रिफंड होके अकाउंट के अंदर पैसा आ चुका है। आप लोग सभी लोग अपना अकाउंट में चेक कीजिए। बहुत सारे लोगों का जो पुराना रेफरेंस 00 या फिर TUP था उसमें से भी कुछ लोगों का, मैं बहुत भी नहीं बोलूंगा, कुछ लोगों का अभी क्लियर हुआ है और वो अभी तक भी मैं देख पा रहा हूं कि
इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अभी भी TUP दिखा रहा है, लेकिन आप सभी लोग अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए, कुछ लोगों का वो अकाउंट भी क्लियर हुआ है। जितने भी लोगों का पेंडिंग बच गया है, कंपनी का ऐसा कहना है कि ये दिसंबर एंड के तक जितना भी TUP है, जितना भी रेफरेंस 00 है, वो सारा भी क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि कंपनी ने अभी तक जितने भी डेट्स दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं कंपनी उसको पूरा नहीं कर पाई है, इसलिए लोगों के दिमाग में एक डाउट आ जाता है कि क्या मंथ एंड तक भी वो क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये तो दोस्तों हम मंथ एंड तक के बाद ही देख के जो है डिसाइड कर पाएंगे कि यस क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन कंपनी फिलहाल अगर हम बात करें तो रियली में काम करती हुई दिख रही है, और हर दिन वहाँ पर बहुत सारे लोग जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं और जो कंपनी का प्रोग्रेस देख रहे हैं, कंपनी का ऑफिस और सारी चीज़ें बेहतरीन रूप से वर्क कर रहा है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखते हैं तो उनका जो है एक्सीडेंट हो गया था, और जिसी वजह से ये कहीं ना कहीं जो हमारा ये ऐप आना था, यात्री ऐप आना था, वो सब भी डिले हुआ है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जो लोग वहाँ पर गए हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जो बंदा है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट था और वो अभी ऑफिस में आ चुका है, तो बहुत सारे लोग उनसे मिले हैं तो उन्होंने देखा है कि उसकी हालत थोड़ा सा अभी भी सही नहीं है, लेकिन अभी भी उसको काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। तो वो भी एक फैक्ट था कि रियली में उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से यात्री ऐप का डिले हुआ। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम अभी सर्विस यूज कर सकते हैं, क्या हम अभी विड्रॉल लगा सकते हैं। तो फ्रेंकली बताऊं दोस्तों, अभी भी सर्विसेज जो है वो 100% काम नहीं कर रही है। आपका हो सकता है कि आपकी सर्विस आप यूज करें तो आपको वो सक्सेस भी हो जाए, और हो सकता है अभी सक्सेस ना भी हो। तो सिर्फ 2 दिन की बात है, आप मंगलवार के बाद इनकी सर्विसेज लाइव हो जाएंगी और आप बिंदास सर्विसेज को यूज कर पाएंगे एज पर कंपनी, ठीक है। तो वहां पर आप जो भी हम सर्विस यूज करेंगे मंगलवार के बाद ट्राई कीजिए, मंगलवार तक आप होल्ड कीजिए। और रही बात बैंक विड्रोल्स की, तो बैंक विड्रोल्स अभी तक वैलेट है उसका कोई डेट नहीं बताया गया है, उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि इस मंथ एंड तक वो सारी की सारी सर्विसेज, सारे के सारे विड्रोल्स क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन यात्री का डेट बताया गया है कि यात्री पे आप मंगलवार के बाद 5,000 रुपया पर डे के हिसाब से आप अपना विड्रॉल भी ले सकते हैं और सर्विसेज भी लाइव रहेंगी। दोस्तों एक ये मैसेज रिसीव हुआ था जिसमें कंपनी की तरफ से बताया गया कि जनवरी के बाद से जो पैकेज दिए जाएंगे उसमें जैसे अभी हमें 2% पर डे आ रहा है, ठीक है, तो उसके बजाय हमें यहाँ पर 1.5% पर डे जो है कैशबैक मिलेगा। अब इसमें कितना वो लागू करते हैं या क्या सच्चाई है वो अभी हम नहीं बता पाते हैं जनवरी के, यानी कि जैसे इनकी सारी सर्विसेज लाइव हो जाएंगी एंड ऑफ दिस मंथ तक, तो उसके बाद ही हम ये देख पाएंगे कि क्या कंपनी सही में 1.5% करने जा रही है या फिर वो 2% ही रहने वाला है। तो इसका फाइनल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, जैसे ही अगर हमें कुछ पता चलता है तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स होपफुली ट्यूसडे तक जो है हमें कुछ और गुड न्यूज़ मिलेगी, जैसे ही मुझे उन सब के बारे में पता चलता है मैं आप लोगों के साथ में उन चीज़ों को भी शेयर करूंगा। दोस्तों ये जितनी भी अपडेट्स हैं, अब उसमें मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि मुझे आजकल कुछ तकलीफ हो रही है, खास करके पेजापे MD जो हैं उनको किसी ने मेरे बारे में शिकायत किया है कि मैं लोगों को मिसगाइड कर रहा हूं, पेजापे के बारे में नेगेटिव बोल रहा हूं, नेगेटिव लोगों को बता रहा हूं। तो आप में से कितने लोग जो मेरे वीडियो को देखते हैं या मेरे चैनल को फॉलो करते हैं या मुझे जिनको मैं व्हाट्सएप पे अपडेट करता हूं, तो आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने आज तक कभी भी किसी को भी मिसगाइड किया है या किसी को भी पेजापे के रिगार्डिंग कोई भी नेगेटिव फीडबैक दिया है। तो कृपया करके इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में, उन पर मुझे बताइए कि क्या आज तक मेरे द्वारा आपको सही गाइडेंस मिला है या फिर मैंने आपको मिसगाइड किया है, या मैंने कभी भी पेजापे के रिगार्डिंग, अगर कोई सर्विस काम कर रही है तो मैंने डेफिनेटली उसको वही दिखाया कि यस ये चीज़ें काम कर रही हैं, और अगर कोई चीज़ नहीं काम कर रही है तो उसके बारे में भी मैंने बताया है कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है। और अगर किसी को लगता है कि यस मैंने कुछ गलत बताया है और किसी को भी मिसगाइड किया है, तो वो कृपया करके मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि इतनी हेल्प करने के बावजूद कुछ टॉप लीडर्स हैं जो कि पेजापे MD को मेरे बारे में गलत फीडबैक दे रहे हैं, और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि पेजापे MD से मैं काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई करने के बावजूद भी आजकल वो मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई भी इस तरह का अपडेट मुझे नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना ये है कि आप जो है मार्केट में एक लोगों को नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो हमारे बारे में और हमारे बारे में मिसगाइड कर रहे हो। तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि ये उनकी सच्चाई है या फिर आपको लगता है कि उनको
खुद को कुछ टॉप लीडर्स के द्वारा मेरे बारे में झूठ बोला जा रहा है। क्या आपको मेरे द्वारा सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता है? तो आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी सच्चाई है आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि ये वीडियो के जो डेफिनेटली वो लोग जो जिन लोगों ने मेरे बारे में पैजा पे एमडी को शिकायत की है, वो भी डेफिनेटली मेरे वीडियो को देखेंगे ही, उनको पता चले कि उस सच्चाई क्या है, वो कितना झूठ बोलकर और खुद पैजा पे एमडी को मिसगाइड कर रहे हैं, ना कि मैं किसी को मिसगाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतनी सारी अपडेट जो भी मेरे पास होता था या जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होती थी या जो भी कि कोई चीज किस तरह से पैजा पे में करनी है, किस तरह से वो वर्किंग कर रही है, वो सारी चीज़ें मैंने ट्राई किया आप सभी लोगों को बताने का। लेकिन उसका मुझे एक नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो है मुझे ही पैजापे का एमडी समझने लग जाते हैं कि भाई जो है आपने हमारी पेमेंट नहीं दी, आपने हमारा ये नहीं किया, आपने हमारी सर्विस यूज़ नहीं हुई। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं भी आप ही की तरह एक नेटवर्कर हूं और आप ही की तरह एक इन्वेस्टर हूं जिसने पैजापे में इन्वेस्ट किया है, और इस तरह की बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे जो है मैसेजेस मुझे आते रहते हैं। तो उस सबको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने अपनी टीम में ये भी जो है एक अनाउंसमेंट किया था कि हम जो है दिसंबर स्टार्टिंग से कम दो कंसेप्ट में काम करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन जो कि लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, ताकि लोगों को ये डाउट ना रहे कि भैया मैं कोई पैजापे का वहाँ पे स्टाफ में हूँ या फिर एमडी हूँ, वो उस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन किसी को ना रहे। जैसा कि आप यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल में देखेंगे, मैं लोगों को डालता रहता हूँ कि यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर एक बंदा है जैसे हाई डियर फ्रॉम 1 मंथ आई डेंट गेट एनी मनी फ्रॉम योर ऐप, यानी कि वो मेरी ऐप से उसको कोई पैसा नहीं मिला। मैं उसको कह रहा हूँ सर आई एम ऑल्सो लाइक यू एन इन्वेस्टर और नेटवर्कर, तो वो बोलता है कि नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड गेव योर नंबर। तो इस तरह से जो है दैट यू आर ए ऐप गाय। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरह का डेली पता नहीं कितने मैसेज मुझे आने लग गए थे। तो मैं बहुत बार क्लेरिफाई कर चुका हूँ, और इसके क्लेरिफिकेशन के लिए ही हमने डिसाइड किया कि हम दो सिस्टम्स के ऊपर काम करेंगे। तो इसका मैं एक और आपको लाइव दिखाता हूँ, आज भी जैसे एक छोटा सा क्लिप मैं आपको चला के दिखाता हूँ। आप पैजेपे का कस्ट नहीं है? अरे भाई आपकी तरह मैं भी मेंबर ही हूँ। एक बात बता सकते हैं आप? बताइए सर। तो इस तरह के लोगों के कॉल्स और मैसेजेस बहुत सारे मुझे रिसीव हो रहे थे, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम दो कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे, और वो दूसरा कंसेप्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, इस तरह का जो कन्फ्यूजन लोगों को हो जा रहा है कि मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प या अपडेट्स की वजह से कि भाई मैं ही पैजापे को रन कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम दो कंसेप्ट के ऊपर काम करने का डिसाइड किया था। अब मुझे नहीं पता कि किन रीजन से उन ऐसे टॉप लीडर्स को लग रहा है कि मैं लोगों को मिसगाइड किया है या फिर मैंने पैजापे के बारे में नेगेटिव बोला है। तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी को भी मैंने मेरे द्वारा अगर कोई मिसगाइड किया गया है या फिर पैजापे के बारे में कभी भी आपको लगता है कि नेगेटिव बोला है, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर रियली में कभी आपको मेरी तरफ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में या फिर यूट्यूब के ऊपर मेरी तरफ से सपोर्ट मिला है, तो वो भी आप लिखिए, ताकि मैं आगे से आपको उसी तरह से सपोर्ट जारी रख पाऊं। और दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको जो है पैजापे और भी बेहतरीन जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।